नमस्कार, मैं सुशील पाल और आज एक बिल्कुल हट के सेगमेंट पे मैं खबर करने आया हूँ, रिपोर्टिंग करने आया हूँ। और रिपोर्टिंग में आपको मैं कुछ हेल्थ के टिप्स इस रिपोर्टिंग के बाद बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको मैं उस जगह पर लेके जा रहा हूँ जिस ब्रांड के इक्विपमेंट को अब सलमान खान का जो एनजीओ था बीइंग ह्यूमन उसने खरीद लिया है। और लेकर चलता हूँ आपको फिटनेस एंटीमीटर फिटनेस स्टूडियो है, जिम है, वहाँ पर लेके चलता हूँ। और अजमेर के अंदर बहुत अच्छी जिम बताया जा रहा है, कैसी जिम है मुझे नहीं पता, देखने जा रहा हूँ और आपको भी दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ कि आखिर ये जिम है कैसी और यहाँ पर सलमान खान की कंपनी के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। चलिए लेकर चलता हूँ, आइए। हेलो सत्या, कैसे हैं? हेलो सुशील, कैसे हैं आप? आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं आज निकला हूँ एक जिम को देखने के लिए, तो मुझे ऐसा शहर के अंदर बताया गया कि इस जिम का बहुत अच्छा नाम है शहर में और कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है आपका, तो मैंने कहा भाई चलता हूँ। और ऐसा भी कहा गया कि सलमान खान की कंपनी ने जो आपके यहाँ पे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो क्या मुझे आप अपनी जिम दिखाएंगे आज? बिल्कुल जरूर, चलिए आपका बहुत स्वागत है हमारे जिम में। हाँ, जो जिम है वो ये विजन से ही बना हुआ है। हाँ, कि शहर के लोगों को और यहाँ जो भी यूथ है जिनको फिटनेस की नीड है और फिटनेस की रिक्वायरमेंट है उनको ऐसा एम्बियंस, ऐसा एटमोसफियर और ऐसे इक्विपमेंट मिले हैं या ऐसी चीज़ें मिले हैं जो अब तक शहर में नहीं थी। हाँ, इस विजन के साथ में हमने इसको स्टार्ट किया है। हाँ, अच्छा, चार फ्लोर की आपकी जिम है मेरे हिसाब से? चार फ्लोर की हमारी जिम है और क्योंकि मैं भी बहुत पहले जिम में वर्कआउट किया है मैंने और जिम्स काफ़ी मैंने विजिट किए हैं। हाँ, मैंने भी यहाँ भी मेंबरशिप और जयपुर में मेंबरशिप वगैरह ली है। हाँ, तो वहाँ से सीख के समझ के हमने देखा है कि हमारे शहर में जिस चीज़ की कमी थी। हाँ, कि एक वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट के साथ एक जिम होना चाहिए। हाँ, जिसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हों कि जो भी कैटेगरी का आदमी जो भी अमाउंट पे करता है उसको सेटिस्फेक्शन हो एक तरह का कि यार मैं अगर 10,000 पे कर रहा हूँ तो मुझे सर्विसेज 10,000 वाली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अगर मैं 1,00,000 पे कर रहा हूँ तो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस पूरे प्रोस्पेक्ट को हमने ध्यान में रखते हुए ये सेटअप डिज़ाइन किया है और आगे हम ब्रांचेस हमारी ओपन करते जा रहे हैं। अभी आपको पूरा जिम जो है हमारे कलीग है मेरे। अच्छा, देखिए पहली मर्तबा में कुछ पॉलिटिकल और क्राइम की खबरों से हटकर एक लाइफस्टाइल सेगमेंट की रिपोर्टिंग करने के लिए निकला हूँ, क्योंकि मुझे भी एक जिम ज्वाइन करनी थी और बहुत सारे लोग, कुछ मोटे होते हैं और मेरे से कुछ पतले लोग होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जिम देखने के लिए शहर में निकला था और देखते देखते मैं एंटीमेटर फिटनेस स्टूडियो भी पहुंचा और पहुंचने के बाद मुझे लगा कि भाई पूरे शहर को एक बार ये जिम जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सलमान खान की कंपनी के फिटनेस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी कंपनी के हों तो मुझे लगता है शहर को देखना चाहिए, बाकी और कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? राकेश सिंह रावत नाम है। तो राकेश जी, आप दिखाएंगे हमको? चलिए आइए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पैकेज से रिलेटेड हमारे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। हाँ, कोई पैकेज हुआ है जिम की फैसिलिटी सारी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बता। हाँ, ये सर हमारा रेस्ट रूम है। हाँ, जहाँ पे वर्कआउट करने के बाद में मेंबर जो भी रेस्ट करता है रिलैक्स होने के लिए हमने ये रेस्ट रूम रखा है। पास में सर हमारा काउंसलिंग रूम है, जो वर्कआउट मतलब काउंसलिंग हमारे जिम के जो भी इशू है या जिम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। ये हमारे सर मेल और फीमेल चेंजिंग है, यहाँ पे स्टीम बाथ, शावर, लॉकर और चेंजिंग ये है। अच्छा, मतलब जिम करो और यहीं से यहीं आ जाओ, तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाओ। ठीक है, आइए। हमने हर स्टेप पर कैलोरीज भी मेंशन करी। हाँ, ये क्या चीज़ है? मैं देखता हूँ आ रहा था, ये दिखाइए। मेरे सहयोगी कहूंगा राजवीर को ये दिखाए कि जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर। हमारा जिम जब स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टेप से हमने कैलोरीज मेंशन कर रखा है। इससे क्या होता है कि जब भी कोई देखता है तो उसको क्या एक उमंग लगती है चढ़ने की, नहीं तो हम क्या बहुत लेजीपन से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जैसे कि आपने देखा होगा, हम थोड़ा फास्ट चढ़ने लग जाते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली है। तो कम से कम आप 3-4 बार भी चलेंगे तो उसके पूरे स्टेप पे आपकी कैलोरीज मेंशन हो रही है। अच्छा, ये हमारा पूरा कार्डियो सेशन है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है। सारी एक्सरसाइज होती है। अब कार्डियो हमारे क्या काम आता है, हमारे हार्ट को मजबूत रखता है। अच्छा, जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो डैमेज एरिया होता है उसकी रिकवरी करता है। तो इस एरिया में हम हमारे हार्ट को मजबूत करते हैं, हमारे मस्कुलर एंड्योरेंस को ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर ट्रेडमिल पे सेपरेट हमने टीवी भी दे रखा है, जिससे क्या होता है कि आप जैसे रनिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो क्या होगा, बोर नहीं होंगे, आप स्पीडली रनिंग भी कर सकते हैं उसके।
सर ये फ्लोर है या फ्लोर वर्कआउट भी होता है, जैसे एरोबिक्स होता है, जुम्बा होता है, योगा होता है, एरोबिक्स मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम होता है, और जुम्बा योगा होता है मॉर्निंग में, और यहाँ पे एरोबिक्स होता है। इसके अलावा सर हमारे ये मेजरमेंट रूम है, जैसे कि वो मेंबर आता है उनका मेजरमेंट लेना है या फिर उनका वेट लेना है, उसके हिसाब से हमने सेपरेट अलग से बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये डेली आप करते हैं या फिर आपका चार्ट है? कुछ मतलब नया न्यू मेंबर आता है उनका हम करते हैं, और 45 डेज में हम उनका कार्ड चेंज करते हैं, उनका अलग कितना इंप्रूवमेंट उनके अंदर हुआ है। हमारा जो सारा काम स्टेप बाय स्टेप चलता है, जैसे हमारा कोई भी मेंबर आता है तो हम पहले एक दिन तो उसको नॉर्मल वर्कआउट कराते हैं जिससे क्या कोई इंजरी ना हो, उसके बाद फिर सेकेंड डे हम उसको फिटनेस टेस्ट करवाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन फ्रंट डेस्क पे दी जाती है, उसके बाद वो मेंबर यहाँ आता है और उसको फिटनेस टेस्ट करवाते हैं ट्रेनर के थ्रू। अच्छा। तो उसका मेजरमेंट, उसका बॉडी मूवमेंट सब यहाँ पर होता है, उसके बाद उसका फिटनेस टेस्ट होता है। अच्छा। यहाँ पे न्यूट्रिशन रूम है, डाइट के लिए कोई भी कंसल्ट करना हो तो यहाँ पर किया जाता है, डाइट यहाँ से आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपको पूरे दिन भर में क्या डाइट लेनी है क्या डाइट नहीं लेनी है। ये हमारी मशीन है BCA मशीन, इसका पूरा फॉर्म है बॉडी कंपोजिशन एनालाइज, जैसे मान लीजिए आपका वेट जो भी है उस वेट में आपका कितना मसल है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। अच्छा, ये भी मालूम पड़ जाता है, पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है कितने मसल्स में कौन से मसल में कितना फैट है, कितना आपकी बॉडी में वाटर मेलन होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, आपकी हाइट और वेट के हिसाब से कितना आपका वेट होना चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए, सब स्कैन कर लेता है। अच्छा, मतलब आप जिम के साथ साथ उसके मुताबिक भी डाइट बताते हैं कि आपको प्रोटीन में ये ज़्यादा खाना चाहिए या आपको विटामिन में क्या खाना चाहिए, यानी कि इसी तरीके की बातचीत है। इक्विपमेंट्स अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, जैसे स्टेपिंग करने के लिए स्टेपर्स वगैरह अवेलेबल है हमारे पास बहुत सारे, लास्ट में स्ट्रेचिंग मशीन भी है वहाँ रखी हुई स्पेशली, जब आप वर्कआउट खत्म करते हैं तो उसके लास्ट में आपको स्ट्रेचिंग करना भी जरूरी होता है मसल रिलैक्सेशन के लिए, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं यानी कि मैं जब स्कूल के समय थोड़ा कभी कभार जिम जाता था तो वहाँ तो मुझे एसी मिलता ही नहीं था, आप यहाँ तो फुल एसी है, तो ऐसे में पसीना आ जाते हैं क्या? हाँ सर आ जाते हैं, वैसे हम टेम्परेचर होता है इसका, टेम्परेचर सेट कर देते हैं उसके हिसाब से, अगर 16 पे रखेंगे तो सर वर्कआउट करने में कोई मतलब नहीं है, इसका हम टेम्परेचर होता है वो सेट कर देते हैं, उसके हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सर अभी नया ट्रेंड चला 6 पैक्स का, ये सर हमारी मशीन है, ये ऐप बॉर्ड है, इसमें ऐप्स लगा सकते हैं 6 पैक्स के लिए, ये एब्डोमिनल है, इसका टमी ज़्यादा है तो उसका कम हो जाता है, अगर फ्लैट है तो आराम 6 पैक्स। अच्छा, लोग बॉडी बनाने ज़्यादा आते हैं या अपना वेट लूज करने ज़्यादा आते हैं? सर हर तरह के मेंबर्स हमारे पास आते हैं, किसी को बॉडी बनाना है, किसी को फैट लॉस करना है, किसी को वेट बढ़ाना है, तो हमारे पास हर तरह के मेंबर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, तो उसके हिसाब से उनका वर्कआउट शेड्यूल बनाया जाता है। इसके ऊपर क्या है? स्ट्रेंथ एरिया सर, हमारा वेट ट्रेनिंग एरिया। जी आइए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, कई जगह हमने देखा कि लिफ्ट में से सीधा ले जाते हैं जो वहाँ पर आते हैं और सीधा जाते हैं। ये क्या है? वेट ट्रेनिंग एरिया है। अच्छा, मसल्स बिल्ड करने के लिए बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से ही हमने एक सेपरेट एरिया रखा है। हाँ, मतलब यहाँ पर जिसमें शोल्डर हुआ, बाइसेप्स हुआ, ट्राइसेप्स, लेग्स, सारा वर्कआउट, ऑल ओवर वर्कआउट यहाँ पर कर सकते हैं। सबका वर्कआउट आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, चेस्ट, बैक, लेग्स, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, ऑल ओवर सारे मसल्स का। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर आके मसल्स बनाई जाती है, बॉडी बनाई जाती है, वही एरिया है ये। ठीक है, यानी किसी को बॉडी बिल्डिंग का शौक हो तो वो इस वाले फ्लोर पर आ जाए। सबसे बड़ा फायदा ये है सर कि यहाँ पे हर एक मसल्स के लिए तो अलग अलग इक्विपमेंट है, कोई किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता। हमारे जैसे चेस्ट है, चेस्ट के लिए हमारे 2-3 बेंच हैं, अलग अलग बेंच है, अलग अलग चेस्ट प्रेस मशीन है, बैक प्लाई है, सबके लिए अलग है, किसी को वेट नहीं करना पड़ता हमारे। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो जो मशीनरी है वो सारे मेरे सहयोगी राजवीर अपने कैमरे के अंदर कैद कर रहे हैं, वो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ से, पूरा 360 डिग्री पूरा एंगल राजवीर बना रहे हैं लगातार, और उसके ऊपर हम बातचीत भी यहाँ के ट्रेनर से करते जा रहे हैं कि ये वो एरिया है, उस पोर्शन के ऊपर हम लेके आए हैं जहाँ पर आकर मसल्स बनाई जाती हैं। अच्छा, तो मैं अगर जिम आऊँगा तो मुझे मेरी बॉडी कितने दिनों बन जाएगी, कुछ अंदाजा है क्या? सर वो डिपेंड करता है आप कितना कंटिन्यू आते हैं, कितने डाइट फॉलो करते हैं, इस पर डिपेंड करता है सर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कितना बॉडी को दे रहे हैं टाइम, आप वर्कआउट कर रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, डाइट फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, यदि सब चीज़ें आप करते हैं तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी कम से कम 6 महीने में बनती है, यदि आप सीरियसली वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं करने के लिए, कमेंड यानी कि आके आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कंफर्टेबल है, यहाँ का एनवायरनमेंट आपको बहुत कंफर्टेबल है। और किसी को अगर एसी में जिम नहीं करनी हो मेरे ऐसे आदमी को, फिर तो सर हम यहाँ पे क्या क्रॉस में एसी चला सकते हैं, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम हो अगर एसी नहीं चाहता तो क्रॉस में एसी चला सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा भी सर हमारे फ्लोर इसलिए दिया गया है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास बिना एसी के लिए भी है और एसी के लिए हॉस्पिटल एरिया भी, जिसमें आराम से बिना एसी के वर्कआउट कर सकते हैं, बाद हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला जो एरिया है वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको मैं। अच्छा ये क्या चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है लेडीज और जेंट्स? कोई मेंबर आता है तो उसका हम फिटनेसेस करवाते हैं, ट्रेनिंग के हिसाब से इसका कार्ड बनाया जाता है। हाँ। जिसका वेट गेन का अलग कार्ड होता है, वेट लूज का अलग होता है। हाँ। किसी के लिगामेंट में इंजरी है या लिगामेंट का प्रॉब्लम है तो उसका अलग कार्ड डिजाइन किया जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से हमारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ कराया जाता है। ऐसे नहीं, एक कार्ड निकालिए, एक कार्ड निकालिए, उसमें दिखाइए क्या क्या लिखा है इसके अंदर। वेट गेन का, हाँ, जैसे कि मंडे और ट्यूजडे का अलग वर्कआउट होता है, डेली का जो करना है अपन पुशअप हुआ, प्लेइंग कोल्ड हुआ, बॉडी वेट स्क्वाट हुआ, ये डेली करना होता है। जैसे ट्यूजडे और फ्राइडे का अलग वर्कआउट होता है, वेनसडे सैटरडे का अलग वर्कआउट होता है, तो सबका अलग अलग हमने अच्छे से कार्ड डिजाइन किया। एक तरीके से चार्ट हो गया है, इसी के मुताबिक आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। 45 डेज तक फॉलो करना पड़ता है। 45 डेज हम वापस मेजरमेंट लेते हैं, वापस फिटनेस लेते हैं, फिर वापस कार्ड डिजाइन किया जाता है उनका। उसका उससे पता चल जाएगा कितना स्टेमिना बना, कितना बॉडी में इम्प्रूवमेंट आया है। ये सर, अच्छा चलिए राजवीर, अपन किसी से बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब जिम में अपन आए हैं तो किसी ना किसी का फीडबैक जरूर ले लेना चाहिए। तो फीडबैक की बात आती है तो फीडबैक की बात पर मैं आता हूँ। मसल्स वाले पार्ट जो फ्लोर है वहाँ पर मौजूद हूँ और डंबल से प्रैक्टिस चल रही है। मैं कहूँगा कि दिखाए राजवीर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, डंबल्स करते करते कर लेंगे बात आप? थोड़ा हंसूंगा जरूर। हाँ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? कमलेश। तो कमलेश जी, मुझे ये बताइए कि एंटीमेटर फिटनेस जिम में मुझे आके ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या अजमेर को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इट्स अ ग्रेट प्लेस। अच्छा, यहाँ का एटमोसफेयर, हाँ, फैसिलिटीज आपको अजमेर में तो कहीं नहीं मिलेंगे। आपके ट्रेनर अच्छे होंगे इसलिए इस एसी के अंदर भी आपको पसीना आ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रेनिंग। अगर ट्रेनर्स इम्पॉर्टेंट हैं तो आपको कंटिन्यू मोटिवेट करते हैं, उसी से आपको सारा एनर्जी मिलता है। यहाँ के ट्रेनर्स बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास, नो डाउट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिम का नाम सुनते ही एक बात आता है कि ये जो मशीन है ये केवल और केवल पुरुषों के लिए है, यानी कि मेल के लिए है, लड़कों के लिए है। लेकिन जब मैं इस जिम में आया तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं जो जिम करने भी आती हैं। क्या करना आती हैं, क्यों आती हैं, मैं पूछ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? आप मुझे बताएंगे कि जिम तो एक तरीके से ऐसा, मतलब ऐसा सोचने में आता है कि केवल लड़के ही करते हैं मशीन को आकर, आप यहाँ पर आ रही हैं, क्या करने आ रही हैं और कैसा लग रहा है? सर, फिटनेस सिर्फ लड़कों को ही थोड़ी चाहिए, लड़कियों को भी तो चाहिए। लड़कियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, घर की भी, बाहर की भी। हाँ। तो लड़कियों को ज्यादा जरूरत है करने की। बिल्कुल सही है। तो यानी कि शहर की जो महिलाएं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फिट रहना। हाँ। और कार्डियो भी करना, स्ट्रेंथ भी करना। हाँ। जितनी मसल्स अच्छी बंदों की होनी चाहिए उतनी लड़कियों की भी होनी चाहिए। बंदियों की भी मसल्स उतनी अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र क्या है? मेरी 52। 52 साल है। नाम क्या आपका? उषा संत। तो उषा जी हैं 52 ईयर्स की हैं और जिम आती है एंटीवेटर। अच्छा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस उम्र में जिम आने के लिए किसने आपको ना प्रेरित किया? मेरे हस्बैंड ने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम्हें वर्कआउट करना है तो चलो ये जिम बहुत अच्छा खुला है अपने पास में और तुम यहाँ आ जाओ कर लो एक्सरसाइज। अच्छा, उन्होंने कहा है ऐसा? उन्होंने मोटिवेट किया, वो खुद वॉक करते हैं लेकिन मुझे जिम के लिए मोटिवेट किया। अच्छा, फिर यहाँ पास में रहती हैं आप? ये जिम अच्छी है? पास में ही रहती हूँ मैं। पास में रहते हैं आप यहाँ पर? हाँ। कैसा अनुभव है यहाँ का एंटीमेटर का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ आने के बाद मेरे को वर्कआउट से न केवल फिटनेस आई है बल्कि हैप्पीनेस भी आई है। अच्छा, वर्कआउट की बहुत हैप्पीनेस फील होती है। हाँ, मैं कई लोगों से मिला, बच्चे है ना ये बाहर पढ़ते हैं तो अब शाम के वक्त काफी फील डिप्रेशन होता था, उदासी, लेकिन यहाँ आने के बाद फिटनेस के साथ में हैप्पीनेस भी फील होती है। मतलब मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि अगर घर में अकेले रहते हो तो जिम ज्वाइन कर लो, एंटीमेटर आ जाओ और यहाँ पर आके थोड़ी सी बातचीत कर लो। नहीं नहीं, एक्सरसाइज से भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, अपने मतलब फिटनेस आती है, मेरा वेट लॉस भी हुआ है, स्टेमिना भी बढ़ा है। नहीं तो जैसे थके थके रहते हैं इस एज में, तो थके थके रहते हैं बहुत, सही है ना, काम करने की ताकत ही नहीं होती है, लेकिन उसको करने से बहुत फर्क पड़ा है मेरे। चलिए, बेहद दिलचस्प बात है कि जिस जिम के लिए कहा जाता है कि केवल लड़कों को करनी चाहिए, लेकिन वहीं पे मैंने आपको बताया है कि महिलाएं आखिर क्या सोच रही हैं अजमेर की। हालांकि उतनी तेज़ी से अजमेर विकसित नहीं हो रहा जितना तेज़ी से विकसित होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और महिलाओं से बात करके तो और भी अच्छा लगा। चलिए, अभी अभी आए एक जो अपनी शर्ट उतार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो भरत, मुझे ये बताइए, मैं सोच रहा हूँ कि एंटीमीटर जिम ज्वाइन कर लूँ, बहुत पता लगता हूँ, आपने कब ज्वाइन करी थी और कैसा अनुभव है यहाँ का? जब से जिम स्टार्ट हुआ है मैं तब से हूँ, और इनफैक्ट
इरफान सर और सत्या सर जो यहाँ के ऑनर हैं, मैं इनसे 5-6 साल से जुड़ा हूँ, सारे ट्रेनर से मैं लगभग 6 साल से रब्ता रखता हूँ, सारे सब भाई हैं मेरे, लगभग 7 साल मुझे हो चुके हैं इनके साथ वर्कआउट करते ऑलमोस्ट। अच्छा, कब आते हैं आप यहाँ पर? पहले कितने घंटे करते? मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से आता हूँ, पहले मॉर्निंग में आता था, मेरे खुद के काम ऐसे हो गए तो मैं इवनिंग टाइम में आता हूँ। अच्छा, मतलब कुल मिला के एंटीमीटर जिम आ जाना चाहिए मुझे भी। बेसिकली जिम नहीं कहता हूँ मैं, ऐसे ये मेरी फैमिली है। अरे वाह, ये आपका परिवार है। ऐसा है कि आपको हमेशा मोटिवेट करता है, नॉट ऑन अबाउट फिटनेस, आपको पर्सनल लाइफ में भी काफी कॉर्पोरेट्स मिलते हैं, काफी सपोर्ट मिलता है। बेसिकली मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला यहाँ। अच्छा, मैं फ्रीलांस कंटेंट राइटर हूँ और मुझे याद है मैं पहली बार जब दिल्ली गया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे लिए यहाँ केक काटा गया था, क्योंकि मुझसे ज्यादा खुशी मेरे भाइयों को हो रही थी, जो ट्रेनर्स थे उनको ज्यादा खुशी हो रही थी। क्या बात। तो बेसिकली यहाँ आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, लाइक जुम्बा, एरोबिक्स, आपको मसल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज मिलती है, ट्रेनर आपको सजेस्ट करते रहते हैं, कभी इंजरी होती है तो उसमें आपको काफी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वेल ट्रेनर ट्रेनर है हमारे पास, और हमारे पास क्रॉसफिट की फैसिलिटीज हैं। उसके अलावा आपको जुम्बा, एरोबिक्स वगैरह डे बाय डे, और प्लस आपके कार्ड्स बनते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको किस तरह से वर्कआउट करना है ये सिखाया जाता है आपको। सो बेसिकली इट्स कम्प्लीटली कॉम्बो, जहाँ आप मुझे लगता है अजमेर में शायद ही ऐसा कोई जिम हो जहाँ आपको ये सारी फैसिलिटीज मिले। चलिए, आपने तो इसको फैमिली मान लिया और इन लोगों ने भी आपको फैमिली मान लिया है। चलिए ठीक है, मैं आपको अब इसके बाद की जो फ्लोर है वहाँ पर लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ कि वहाँ पर आखिर क्या कराया जाता है, वहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। एंटीमीटर जिम में मैं आया हूँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ, और ये पहली मर्तबा है जब मैं किसी लाइफस्टाइल के सेगमेंट पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शहर के अंदर युवाओं का जो रुझान है वो जिम की ओर बढ़ने लग गया है। हेल्थ को लेकर बहुत इश्यू होते हैं, और हेल्थ को लेकर इश्यू के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जिम का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है शहर के अंदर। जगह जगह पर जिम खुलने लग गई है, हर मोहल्ले में खुलने लग गई है इस तरीके से, और अब जिम का थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बदल गया है। यानी कि ट्रेंड कैसा, ऐसी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो जिम्स हैं वो अजमेर शहर के अंदर ओपन होने लगी है। ये इस जिम की सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं, इस इक्विपमेंट्स की कंपनी जो थी वो ज़राई थी पहले, लेकिन ज़राई कंपनी को अब सलमान खान ने टेक ओवर कर लिया है, सलमान खान की बीइंग वुमेन ने, और अब इस कंपनी का नाम हो गया है बीइंग स्ट्रांग। अच्छा, अब मुझे बीइंग स्ट्रांग, देखिए ये लिखा हुआ है, ये सारे सलमान खान की कंपनी के इक्विपमेंट हैं। और यहाँ पर आने के बाद में मैं मेरे सहयोगी कहूँगा एक बार व्यू दिखाए। देखिए इस तरफ मैं आपको कहता हूँ, यहाँ से पूरा आना सागर दिखाई देता है, यहाँ से तारागढ़ के नीचे की पूरी तलहटी दिखाई देती है, यहाँ से बिल्कुल मेरे इस तरफ जो पूर्व का इलाका है पूरा आपको बागचंद की कोठी से लेकर पत्रिका का जो ऑफिस है वो इस तरफ पूरा दिखाई देता है यहाँ पर। यानी कि पूरी तरीके से जो आखिरी मंजिल है इसको ओपन बनाया है, यानी कि जब किसी को एसी में नहीं करनी हो जिम तो वो सबसे आखिरी मंजिल पे चौथे फ्लोर पे आएगा, और चौथे फ्लोर पर आकर बिना एसी में खुली हवा के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है। ये मैंने आपको दिखाया ये वाला हिस्सा, इसके पास में ही दैनिक भास्कर और दैनिक भास्कर का हिस्सा है, गुलमर्ग होटल वाला हिस्सा है, ये हिस्सा देखिए यहाँ से पूरा दिखाई देता है। यानी कि पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि तीन तरफ के अजमेर शहर के तीन तरफ के इलाके यहाँ से दिखाई देते हैं, केवल और केवल जो पश्चिम का इलाका है वो थोड़ा सा झुक कर देखना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइए ऊपर का हिस्सा है ये, आप यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और ये आप लोगों ने विशेष तौर पर क्यों बनाया है? सर ये क्रॉसफिट एरिया है, ये ओपन है, मतलब ये ओपनली जैसे होता है ओपनली वर्कआउट कर सकते हैं, जिसको एसी की जरूरत नहीं होती तो मतलब पूरा के वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारी ये मंकी बार है, मंकी बार कर सकते हैं, मेटल रोप कर सकते हैं, ये टायर है जिसपे हैमर थ्रो करना। अच्छा, यस सर, ये ट्रक का बड़ा सा टायर है, पुराना टायर है जिसके ऊपर शायद हथौड़े से आप लोग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करते हैं, और किसी को अगर एसी पे नहीं करना तो ऊपर भी आ सकता है। सर मॉर्निंग में वर्कआउट करने का बहुत अच्छा नेचुरल एयर आपको मिलती है यहाँ पे, यदि आप मॉर्निंग में और इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, एक अच्छी खुली ताजी हवा आपको मिलेगी यहाँ पे। उसके साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जिससे आप अपना हार्ट भी मजबूत कर सकते हैं, दूसरी तरीके से आप मस्कुलर एंड्योरेंस को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे चेस्ट की मशीनें भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको चेस्ट भी लगानी है तो पर्टिकुलर यहाँ पे लगा सकता है आपके पास। यानी कि आपके नीचे के फ्लोर के अलावा जो आपका आखिरी फ्लोर है वहाँ पर भी वही सुविधाएं उपलब्ध है, और बाकी आप खुली ताजी हवा भी अवेलेबल है, साथ में बहुत सारे वर्कआउट आप कर सकते हैं, किक बॉक्सिंग कर सकते हैं, बैटल रोप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मसल को और स्ट्रॉन्ग करेगी, आपका फैट लॉस भी करेगी, आपका एंड्योरेंस भी बढ़ाएगी, जो आपके लिए जरूरी है। अच्छा, ये जो बॉक्सिंग किट आपने लगा रखा है इसके लिए क्या बॉक्सर भी आते हैं यहाँ पे कोई ट्रेनिंग करने? सर आते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि कुछ अगर कोई
आगे जाके खेलना चाहता हूँ तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, मतलब आपने मल्टीनेशनल जिम अपनी मल्टी टैलेंटेड जिम बना दी, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन भी आ जाता है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, एंटीमेटर फिटनेस जिम मैंने आपको दिखाई, 4 मंजिल की जिम है, अजमेर के वैशाली नगर में स्थित ये जिम है और उस जिम को मैंने आपको दिखाया। इसी कोशिश में मैं निकला था कि शहर की जो बेहतरीन जिम हो उसको मैं तलाश करूँ और कब से मैं शामिल हूँ उस जिम के क्लब के अंदर, तो एंटीमेटर फिटनेस जिम जो वैशाली नगर में स्थित है वहाँ पर मैं आया। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ज़ेराई जो कंपनी है उसको सलमान खान की जो NGO है बींग वुमेन उसने अब टेक ओवर कर लिया है और अब ज़ेराई जो कंपनी के बाद में जो इक्विपमेंट इनके हैं वो बींग स्ट्रॉन्ग के हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको जिम मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा अजमेर शहर के अंदर फिटनेस एंटीमेटर फिटनेस जिम जो है वहाँ पर आकर एक बार मज़ा लेकर देखिए कि जिम वाकई होती क्या है।